साथियों नमस्कार, फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और ये एल्केम लेबोरेटरीज का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नकुप टोटल SF। ये एक 100 ml की पैकिंग में है, एल्केम लेबोरेटरीज का प्रोडक्ट, और 115 रुपये इसकी MRP है। शुगर फ्री होता है और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर्स में होता है, यानी कि आप इसको पियेंगे तो स्ट्रॉबेरी का स्वाद इसमें आएगा। इस सिरप को पीने के बाद आपको तीखा नहीं लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा, स्ट्रॉबेरी की तरह मीठा लगेगा। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। वैसे ये डेक्सट्रोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, फिनारामिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मैंथोल सिरप बोला जाता है। और ये कप सिरप है और ये एल्केम का एक प्रोडक्ट है। तो आज देखते हैं कि इसको कैसे पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, इसके क्या उपयोग हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको कौन कौन पी सकता है, बच्चे ले सकते हैं क्या, बड़े ले सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं, डॉक्टर इसको किस किस केस में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या किस किस तरह डॉक्टर इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो पुनः वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी शंका का समाधान नहीं होता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और कुछ नया सीखते रहें, लोगों की मदद करते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नकुप टोटल SF जो कप सिरप है, ये शुगर फ्री होता है, बता चुके हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में होता है। शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये शेड्यूल जी में आती है। इसके कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो ईच 5 ml कंटेंस डेक्सट्रोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 10 mg पाया जाता है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 15 mg पाया जाता है। क्लोरफिनारामिन मैलिएट 2 mg इसके अंदर पाया जाता है। और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 5 mg पाया जाता है। मैंथोल इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 1.5 mg पाया जाता है। फ्लेवर्ड बेस QS पाया जाता है और इसका जो कलर्स है वो पोनेसियो 4R एंड सनसेट येलो FCF पाया जाता है। अब इसकी डोज के बारे में बात करेंगे तो छोटे बच्चों को ये नहीं देना है, ये बड़ों के लिए हैं। और बड़ों को खांसी, सूखी खांसी हो, मलगम वाली खांसी हो या कोल्ड वाली काफ़ी खांसी हो, सभी तरह की खांसी में कारगर होता है। इसकी जो डोज है वो 10-10 ml दिन में 3 बार, यानी कि 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के 20 मिनट बाद आप ले सकते हैं। और इसको भूखे पेट नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है, सुबह नाश्ते के बाद लेना है 2 चम्मच, और दोपहर में खाना खाने के 20 मिनट बाद लेना है 2 चम्मच, शाम को और रात्रि में लेना है खाना खाने के 1 घंटे बाद 2 चम्मच। और ये जो लेनी है गुनगुने पानी के साथ लेनी है, यानी कि आधा गिलास गुनगुना पानी लेंगे और उसमें 2 चम्मच डालेंगे, ये तब इस तरह आपको पीना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो डिजीनेस, वीकनेस, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और स्किन रैशेस भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि इसको पीने के बाद ये सब साइड इफ़ेक्ट आते हैं और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नज़दीकी फिजिशियन से मिलें, नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपने आप उपचार ना करें, ज़रा सी लापरवाही भारी हो सकती है। तो हम इसकी डोज के बारे में बात कर चुके हैं और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, कितना लेना हम बता चुके हैं। बड़े बुजुर्गों में भी ये 10 ml ही देना है। यदि आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, जो महिला चिकित्सक आपको सजेस्ट करती हैं, जो बताते हैं डॉक्टर, आप उसके अनुसार लें। प्रेगनेंसी में भी इसको ले सकते हैं, महिला चिकित्सक इसको बताते हैं। अब ये हम बता चुके हैं कि सभी तरह की खांसी में ये काम करता है, सूखी खांसी हो, मलगम वाली खांसी हो, बूपिंग कफ हो, किसी भी तरह का कफ हो, उसमें ये इस्तेमाल होता है। अब इसका मेनली जो सबसे बड़ा जो मैंथोल है, मैंथोल मलगम को ब्रेक डाउन करता है और खांसी में एज ए ब्रोंको डायलेटर काम करता है। तो ये जो है एक्सपेक्टोरेंट भी एक तरह से एज एक्सपेक्टोरेंट काम करता है, खांसी को ब्रेक डाउन करता है और मलगम को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो हमने देखा नकुप टोटल SF जो है डेक्सट्रोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड, एम्ब्रोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, मैंथोल के
इंग्रेडिएंट से बना हुआ सिरप है जो बहुत अच्छा सिरप होता है। इसको छोटे बच्चों को ना दें, किसी भी तरह की समस्या के लिए, खांसी की समस्या है आपको, गले में दुखन है, मलगम आ रहा है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथियों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। यदि आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो किसी वीडियो पे जाके कमेंट करें आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।